कानपुर के चौबेपुर में किसान विकास संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा सरकार द्वारा किसान हित में पारित कराए गए किसान संशोधन विधेयक के संबंध में किसान व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए गए, जिसमें मिश्रिख लोकसभा सांसद अशोक रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किसान संशोधन विधेयक का समर्थन किया। भारत 18 न्यूज से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। इसलिए बड़ी कि लोग जो भ्रामक प्रचार करा रहे हैं, आपने देखा होगा किसान बहकावे में नहीं आ रहा, अगर आ रहा होता तो यहाँ भी हो रहा, लेकिन जानकारी निचले लेवल पर इसकी जानकारी देना हमारा फर्ज है, क्योंकि अभी सदन में ये बात हुआ और ये तो जो विपक्षी इस वक्त आजकल कर रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल माननीय जो मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके सबके सुझाव लिए थे, तब इन मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं बात, लेकिन आज उन प्रदेशों में चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ के लोग इस तरीके कर रहे हैं और ये दूसरी तरफ लोगों को बहकाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये भ्रामक प्रचार है। लेकिन किसान सब समझ रहा है, उसको आज आज़ादी मिली, वो स्वतंत्र हुआ है, वो कहीं भी तो विरोध तो किसान ही कर रहा होता, पश्चिम में यहाँ पर पश्चिम में वो वहाँ पर कर रहे हैं, पंजाब में जहाँ जहाँ कांग्रेस की या विपक्षी दलों की सरकारें हैं, लेकिन आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कोई किसान या आप भी होंगे, बहुत से लोग हैं, क्या ऐसा नजर आ रहा है एकाध दो लोग जो समर्थित रूप से रहे हैं या उस पार्टी के समर्थक रहे हैं वो इस तरीके का करने का काम कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है इस प्रकार का कहीं कुछ नजर आ रहा। नहीं संसद जी, जब बीजेपी सरकार आई थी तो सबसे बड़ा एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज प्रदेश में लड़कियों के साथ कहीं बलात्कार कहीं गैंगरेप इस प्रकार की घटना हो रही है, इसका विरोधी पार्टियां लगातार कर रहे हैं, इसकी संख्या क्या है? देखिए ऐसा तो सरकार, देखिए माननीय यहाँ के प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त किए हुए हैं, लेकिन कहीं कुछ इस प्रकार का अगर होता है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है, अगर जानकारी मिलती है कहीं लापरवाही करके लोग अधिकारी लोग अवगत नहीं कराते हैं, बाद में जैसे आपको अवगत होता भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में आता है तो पूरी तरीके से सख्ती कार्रवाई होती है, जो भी इस प्रकार का कृत्य करते हैं उन पर पूरी तरीके से सख्ती कार्रवाई की जाती है और अधिकारी अगर उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनको भी सस्पेंड किया जाता है, ये सिद्ध कर दिया। जी एक बात और है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, ठीक है अच्छी बात है, बिल का भी समर्थन लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सांसद हैं, ये व्यवस्था कराइए कि किसान जो छोटा मोटा किसान है वो ऑलरेडी आवारा पशुओं से तो परेशान है ही है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। गौशालाएं दी जा रही है, नहीं नहीं और आ कुछ नहीं, सब यहाँ बिल्कुल बेकार चल रहा है, ये व्यथा आप ऊपर ले जाइए इस मुद्दे को, हम गए थे आप जाइए यहाँ पर, आप पता कर लीजिए कहाँ बनी है कहीं कुछ, महाराजपुर में बनी कार्यरत नहीं हो, मैं लोग दिन भर देखता हूँ भैया, सांसद जी कुछ कोई एक कारगर नहीं है, मेरा बिंदु है ये कि उस पर थोड़ा आप विचार करिए, जो आप बता रहे हैं अगर कहीं कुछ कमी है तो बहुत कमी है, और दूसरी बात ये है कि रात में, अब पहले तो जानवर ताकता था, अब किसान अपने खेत ताके रात में ये खनन वाले उसके खेत सब खोद डाल रहे हैं, और ये जब शिकायत की जाती है ना तो एसडीएम सुनते हैं और ना पुलिस सुनती है, और पुलिस ये कहती है कि एसडीएम के पास जाओ, उसमें बड़ा खेल हो रहा, अब जब हम लोग कोई खबर लिखते हैं तो फिर ये होता धमकियां मिलने लगती है कि ये पत्रपन कर रहे हैं, ये रात दिन ये पूरा इस तरह का क्षेत्र पूरा खोद डाल रहा है, इतनी परेशानी, सड़कें देखिए गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और सब लोग देख रहे हैं, तो इसमें भी अंकुश होना चाहिए, और कराएंगे अगर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बीजेपी के लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये लोग थे या ऐसा नहीं है, वो देखिए कार्यकर्ता कोई हो सकता है, उसके साथ अगर कुछ हुआ है, अगर वो अपने आप बैठ